गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध छात्र द्वारा प्रताड़ना के बाद आत्महत्या की कोशिश करने की वजह से शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने से संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्य आक्रोशित हैं। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यों ने गुरुवार को एसपी सिटी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने एसपी सिटी विनय कुमार सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए अपील किया। संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि 72 घंटे के अंदर शिक्षकों पर लगाया गया मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अवधेश कुमार मिश्र ने कहा, कोई पक्षपात को कार्रवाई नहीं, आप लोग चाह रहे जी बिल्कुल सही है, कोई हमारी एक गुरु अपने बच्चे से कभी भी अनैतिक व्यवहार नहीं। अब सर टीचर इस तरीके से नहीं और उसके ऊपर ये जो साजिश है, इस साजिश का साफ बंदा को जांच करना आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय आदरणीय दो गुरुजनों पर फर्जी एक्सी एक्ट लगा दिया गया है, उसके द्वारा लगाया गया है जो छात्र उनका है, और छात्र और गुरुजन का संबंध कितना मधुर होता है, ऐसे मधुर संबंधों में इस एससी एसटी एक्ट के माध्यम से जो दरार डाली जा रही है यह घातक है, और इस घातक परिणाम को से लड़ने के लिए हम एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि पूरे देश से पूरे जनपद से एससी एसटी एक्ट खत्म किया जाए, और जितने फर्जी मुकदमे हैं चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय गुरुजन के ऊपर फर्जी मुकदमा हो, उरुआ में रुंकू सिंह पर मुकदमा हो, साजलवा में बसिया के बाद ठाकुर साहब लोगों पर मुकदमा हो, ये सारे फर्जी मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, अन्यथा 72 घंटे की हम चेतावनी दे रहे हैं अपने ज्ञापन में, 72 घंटे बाद हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम इसके बाद 72 घंटे के बाद जो धरना देंगे रूपरेखा बनाएंगे, उसकी रूपरेखा बनेगी हमारे पास 8-9 साल। आज का कार्यक्रम हम सीधे यही किए, आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं दे रहे हैं अभी महोदय है।